सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाकर एडिटिंग कर रहा था। गाइस, आज ना हमारे पर दादा की तिजोरी हमने खोली है और उसमें से उनकी बहुत पुरानी चीजें मिली है। तो सरो, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वैसे मैंने भी अच्छे से नहीं देखा। तो सरो, सड़ते हैं। वाह, क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। ये रही पर दादा जी की साइकिल जिसमें वो खेत जाया करते थे, और ये उनके स्पोर्ट्स बाइक। लगता है वो मोटो ब्लॉगर हो गए अपने टाइम में। छोड़ो इन चीजों को, ये कार अच्छी है। अगर इसे मैं कबाड़ में बेच दूँ तो मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। छोड़ो, इतना टाइम कहाँ है, सब फालतू चीजें है। एक मिनट, ये क्या है, ये तो कोई नक्शे जैसा लगता है। हाँ सही कहा, महंगाई बहुत बढ़ गई है ताऊ जी। मम्मी, आज मुझे जल्दी से खाना दे दो, काम है, बाहर जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। अबे साले, झूठ बोल रहा है, तुझे क्या काम होगा, तू तो बेरोजगार है। तू भी तो ग्रैनी, हमारे खानदान पे कई सालों से बोझ बन के बैठी है। ए क्रिमिनल, तू आजकल बहुत बदतमीज हो गया है। और आप बहुत शरीफ हो गए हो, आपने देखा नहीं शुरुआत उसने की। जो भी हो क्रिमिनल, छोड़ ना, वैसे कहाँ जाना है तुझे। कुछ नहीं इप्पू, वो एक जरूरी काम है तो जाना था। हाँ पर ये तो बता कहाँ जा रहा है, मुझे भी मार्केट में काम है, तो मुझे छोड़ देना वहाँ पर। नहीं नहीं, मैं मार्केट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, आप इप्पू को बोलो, वो ले जाएगा। तो बेटा तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे फिर। ताऊ जी, मैंने बोला तो सही, मुझे काम है यार, आप छोटू को भेज दो ना। ठीक है बेटा, छोटू को भेज देता हूँ। वैसे ताऊ जी, हमारे परदादा जी बहुत पैसे वाले थे क्या, क्योंकि आज उनका सामान देखा, बहुत कीमती चीजें हैं। हाँ बेटा, वो हमारे फ्री फायर वर्ल्ड के सबसे रहीज आदमी थे। वैसे बाबू मोसाई करते क्या थे जो इतना रहीज थे। बेटा वो मोटो ब्लॉगर थे, फ्री फायर वर्ल्ड के सबसे पहले मोटो ब्लॉगर। अंधा पैसा छाप लिया था उन्होंने, एक ब्लॉग के लाखों डॉलर कमाते थे। क्या बात कर रहे हो, तो उतना पैसा तो नहीं दिख रहा अभी। एक अफवाह सुनी है बेटा, उनके सारे बेटे नालायक थे, इसीलिए उन्होंने अपना सारा पैसा कहीं छुपा दिया है। ऐसी बात है तो पक्का उन्होंने उसका कुछ मैप बनाया होगा, ताकि जरूरत के समय पे वो पैसा काम आ सके। हाँ बेटा ऐसा ही होगा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो मैं चलता हूँ, मुझे काम है। बेटा आते वक्त 1 किलो लहसुन ले आना, खत्म हो गया है। अरे क्या 1 किलो, आज तो पूरा ट्रक भर के ले आऊंगा मैं। अच्छा इतने सारे पैसे हैं तेरे पास। चलो मैं सलटा हुआ, मुझे बहुत सारा काम है और मेरे को जवाब नहीं देना। बाबू मोसाई कुछ तो गड़बड़ है। हाँ इप्पू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मजा आ गया, अब बस खजाना मिल जाए, अमीर हो जाऊंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इन सबको, क्योंकि ये सब नालायक है। मैं ही कच्चा बच्चा हूँ, खजाने का एक लौटा हकदार। ए, क्या बोला नुबड़े, क्या खजाना? अरे खजाना नहीं, वो पीछे खुजाना था, खुजली हो रही है। सच बता दे क्रिमिनल, वरना तेरी सारी खुजली मिटा दूंगा। हाँ चलो बैठो, सुन ही गए हो तो क्या बताना ही पड़ेगा, पर ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है बाबू मोसाई, हम तीनों के बीच में ही रहेगी, तू बता तो सही। हा, हा। देखो आदम शाशा, बात यह है कि मैं हमारे परदादा का सामान देख रहा था, तो वहाँ से मुझे एक नक्शा मिल गया, और वो नक्शा खजाने तक ले जाता है, तो वही लेने जा रहा था सिंपल। अबे गधे, ताऊ जी बकवास कर रहे थे, उस टाइम पे कहाँ यूट्यूब था जो हमारे परदादा मोटो ब्लॉगर हो गए। अगर आपको आदम शाशा यकीन नहीं है तो ठीक है, कार से उतर जाओ, पर मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं तो खजाने तक पहुँच के ही रहूँगा। नहीं मैं नहीं उतरूंगा कार से, मैं भी चल के देखूंगा, शायद मिल जाए, क्या पता। बाबू मोसाई ठीक है, वैसे खजाने का नक्शा तो दिखा हमें, हम भी देख रहे। ठीक है इप्पू, नीचे उतर दिखाता हूँ, और हाँ बहुत पुराना है तो संभाल से देखना, कहीं फटवट ना जाए। अबे इस नक्शे के मुताबिक खजाना तो कहीं पानी में है। अबे यार, तब तो सारे डॉलर भीग गए होंगे, या फिर मछली खा गई होगी, पूरी मेहनत पानी में। अबे नहीं, डॉलर ही थोड़ी, गोल्ड भी हो सकता है। हमें पानी में जाने के लिए क्रिमिनल बोट की जरूरत होगी, और मैं एक बंदे को जानता हूँ जो हमें बोट दिलवा सकता है। ठीक है तो रहा किसकी, देख रहा है पूछल, हमें वहाँ पर ले सल। हाँ बाबू मोसाई, जाने दे।
साला काम कर कर के मैं तो थक जाता हूँ, सोच रहा हूँ बोट बेच दूँ। ये लो क्रिमिनल, हम वहाँ पर पहुँच गए। ये क्या, ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है इप्पू। हाँ होगी, पर चल चल के देखते हैं क्रिमिनल। मानना पड़ेगा लकड़ी बहुत मजबूत है। अबे इप्पू, इस नुगड़े की बोट है क्या? हाँ इसी की है। साले क्रिमिनल, तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, तेरे जैसे नुबड़े की बोट में मैं पाँव भी ना रखूँ। अच्छा मतलब कि तुम मेरे पास बोट मांगने आए थे क्या? हाँ आए तो थे, पर पता नहीं था तेरी बोट है वरना नहीं आता। अबे क्यों सारी बात बिगाड़ रहा है क्रिमिनल, हमें इसकी जरूरत है वरना हम खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या बोला आदम, खजाना क्या? अबे यार आदम सासा, क्यों सिल्ला सिल्ला के बोलते हो, इसने सुन लिया? अच्छा समझा, तुम लोग खजाना ढूंढने जा रहे हो। देखो अगर तुम मुझे उस खजाने में से हिस्सा दोगे तभी मैं तुम्हें बोट दूंगा। ठीक है, $10-12 तुझे भी दे देंगे। ये हुई ना बात, तो चलो सब लोग बैठ जाओ मेरी बोट में। हाँ चल जाने दे, बैठ गए तेरी बोट में। सब लोग पकड़ के बैठना क्रिमिनल, इस बोट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी डूब सकती है। क्या बकवास कर रहे हो आदम सासा, अगर पकड़ के बैठेंगे तभी भी डूबेगे ही ना, ऐसा बोलो कि लाइफ जैकेट पहन के बैठो। हाँ बाबू मोसाई, लगता है खजाने का नाम सुन के आदम सासा बौखला गए है। रे भाई यो क्या, यो नाव यहाँ पर के कर रही से? रे भाई पता ना से, यो रेस्ट्रिक्टेड एरिया से यहाँ पर के कर रही है सो? अरे ऑफिसर हमें पता नहीं था वरना नहीं आते। अच्छा यो बात से, ठीक से तो चलो निकलो यहाँ से। अरे हम इधर एक काम से आए हैं, वो काम खत्म करके हम निकल जाएंगे। रे तन्ने बोला एक बार रेस्ट्रिक्टेड एरिया से ना रुक सकते, फिर भी मारे से जबान लड़ाता से। अरे अरे ये क्या कर रहा है? साले मारने की कोशिश कर रहा था, बहुत बहुत ज्यादा हिल रही से इसलिए लगना रही थी। अरे सर मैं बताता हूँ, हम यहाँ पर खजाना ढूंढने आए थे, हमारे परदादा ने छुपाया था, ढूंढ के चले जाएंगे। रे भाई जो थारा परदादा वो मारा परदादा, इस हिसाब से खजाना मारा पीछे। चलो जल्दी करो, हम खजाने के बहुत नजदीक है, खजाना हमारे बिल्कुल नीचे है। चलो सब लोग मेरे पीछे आओ। रे भाई यो क्या, अंदर कूदना से के? हाँ बाबू मोसाई, खजाना चाहिए तो पानी में जाना पड़ेगा। चलिए ऑफिसर इस तरफ से आइए, हम इस तरफ ढूंढते हैं। ठीक से, तू समझदार बच्चा लगता से, चल हम दोनों इस तरफ ढूंढते से। ये क्या, ये तो खुफिया रास्ता लगता है, अभी जाके देखता हूँ। ऑफिसर इस तरफ आइए। रे भाई धीरे चल, मन्ने अकेला ना छोड़, डर लगता से। आदम चाचा मेरे लिए भी रुक जाओ, मैं भी आ गया। रे भाई यो क्या, यो तो बहुत बड़ी सुरंग से और वो भी पानी के नीचे। अरे वो रहा क्रिमिनल। अबे तू हमसे पहले कैसे पहुंच गया? अरे सासा वो सब छोड़ो, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ, क्या मतलब है तेरा बर्बाद हो गए? हमारे परदादा पैसे वाले नहीं थे, इतने ही पैसे थे उनके पास, यही है खजाना, ले लो सब ले लो। मेरे तो सारे सपने टूट गए, इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं मिला। रे भाई मैंने तो के सोच रखा था दुबई में 100 बीघा लूंगो। तो चल क्रिमिनल, अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, घर चलते हैं। नहीं आप जाइए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, जाइए आप। ठीक है जैसी तेरी मर्जी, बैठ इधर, चलिए हम चलते हैं। ओए अगले दिन, ओए कल देख लिया आदम चाचा, क्रिमिनल पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरा पूरा दिन वेस्ट कर दिया। हाँ छोड़, पर उसकी कोई गलती नहीं है। और दोस्तों कैसे हो तुम दोनों? अबे नुबड़े ये फरारी तेरे पास कैसे? अरे वो ये मेरे दूर के फूफा के मौसी के लड़के के चचेरे भाई की है, आज मुझे मिल गए थे तो बोले तू रख ले, अब मैं मना नहीं कर सकता यार, समझो। अच्छा कौन है ये रिश्तेदार, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा। छोड़ो ना, कौन किसको याद रखता है इस जमाने में। और हाँ मेरे रूम में मत जाना, वहाँ पर आज सुबह बहुत बड़ा एनाकोंडा आया था। क्रिमिनल झूठ बोल रहा है, उसके कोई रिश्तेदार इतने अमीर है ही नहीं, और है भी तो साले कार देंगे नहीं, छीन लेते हैं, मेरी कितनी ले गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है चाचा। चल हम उसके रूम में चलते हैं। और पर वहाँ तो एनाकोंडा है। नक्शा मुझे मिला था तो मैं इनको हिस्सा क्यों दूँ, वैसे भी ये नालायक है, पर दादा नाराज हो जाते अगर मैं इनको हिस्सा देता तो।
सारा खजाना मैंने सेफ रख दिया है, वो लोग वहाँ जाने से भी डरेंगे। अरे कोई ऐना कोंडा नहीं होता, ये देख मुझे पता ही था, ये साला सभी चीजें अपने रूम में ही रखता है, देख खजाना भी यही रखा है। मतलब उसे खजाना मिल गया था कॉल पर छुपा दिया था ताकि हमें हिस्सा ना देना पड़े। सही कहा, बहुत चालाक है साला, आने दे फिर बताएंगे।